अनबॉक्सिंग में आप सबका स्वागत है। हाँ जी, ये है मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे नए कीबोर्ड का, जिसका नाम है हुंजी 78 मैकेनिकल गेमिंग। हाँ जी, होता है वो हुंजी। नाम से अगर आपको लगता होगा ये चाइनीज है, नहीं, सिर्फ इसका नाम वैसा दिया हुआ है हुसी। और ये अमेज़न से मैंने मंगवाया है। इसका 8555 का है, सॉरी 8400 रुपीस का है ये कीबोर्ड, लेकिन अपन को 4000 रुपए में ये पड़ा है डिस्काउंट में। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नेवर माइंड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग ने किया है जय श्री कृष्ण, अपने पुराने कीबोर्ड को लाइए आप, अपने दीजिए मेरा पुराना कीबोर्ड ज़ेब्रोनिक्स का। एक्चुअली इस पे खराबी तो ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन मैंने इसको ऐसा मार मार के थोड़ा बिगाड़ दिया है इसके। और ये मेरे को मेरे टेबल पे काफी बड़ा भी पड़ रहा था। ये हमारा जो कीबोर्ड का आप साइज देखिए, कंपेरिंगली काफी स्मॉल है, ठीक है। मैं ज़ेब्रोनिक्स का निंजा 61 मंगवाने वाला था, 61 कीज वाला, लेकिन उसमें मेरे को फिर मालूम पड़ा कि एरोस की यूज करने में काफी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। सो मेनली कैसे कि मैं गेमिंग के अलावा सॉफ्टवेयर्स भी सारे मेरे यूज करता हूँ, तो उसमें क्या इशू रहता है कि आपका ये जो पेज अप डाउन वाला, वो फोटोशॉप है, माया और एनी एक्सपोजर सॉफ्टवेयर होता है, इसमें ये सारी चीज काफी आप लोग को काम लगती है, ये वाला पोर्शन, जो कि ये 81 की कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है पूरा, तो इसमें ये चीज अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये मंगवाया। बाकी मैं HyperX का भी देखा था, HyperX Alloy Origin, लेकिन उसमें ये सब चीज नहीं आती, तो उन चीज को यूज करने के लिए आपको यहाँ से कुछ फंक्शन शिफ्ट वो क्लिक करना पड़ता है, और उसके बाद इधर जो डिफॉल्ट कीज होती है यहाँ पे उस कीबोर्ड में, इंसर्ट होम पेज, इसका ये कीज होती है, ये कीज आपका अप डाउन लेफ्ट डाउन ये सब होता है, राइट वाला, ठीक है। सो इसको हम करेंगे बाय, ठीक है, और चलो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। हम लोग वापस अभी इसका करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडिशनल अपना होता है अनबॉक्सिंग का, हम लोग उसी तरीके से इसका अनबॉक्स करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो है, सो लेट्स सी हाउ इट्स द एक्सपीरियंस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और एक चीज आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है यू जो 78 मैकेनिकल, इसके अनबॉक्सिंग वीडियोस काफी कम आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। सब लाइक इसको परचेस के पहले करने से पहले सब यही सोचते हैं कि इसका क्या, इसे परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये वो लाइक डरते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इतना चला नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों के पास है उनके 5.5 स्टार्स है अमेज़न पे, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, बॉक्स फाइनली ओपन हो चुका है। जोक्स अपार्ट, पर बॉक्स की पैकिंग काफी अच्छी की गई है। एक प्रीमियम कीबोर्ड में आपको जो मिलता है वही है बॉक्स के अंदर, सब अभी सिर्फ इतना ही आया है बाहर चीज। ये है आपका बॉक्स, ये देखिए ये बॉक्स होता है इसकी अभी जरूरत नहीं, इसको हम डाल देते हैं बाजू में। इसके बाद आपको आता है एक केबल, ये वही उसी बैग में जो हम लोग टाइम पास करते रहते हैं। मजा आता है, बचपन से एक कुछ बहुत पसंद है। सो गाइस अभी ये देखो, इसका इन लोग ने एक्स्ट्रा की कैप्स भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक्स्ट्रा की कैप्स है, मेनली यही स्विचेस होती है जो अपने कीबोर्ड के ऊपर लगी होती है, ठीक है। सो इनकेस अगर आपके ये बिगड़ जाए, सो आप दूसरा एक्सचेंज कर सकते हो।
ये अपना वही टोपी खींचने का की कैप की रिमूवर है ये, बॉटल ओपनर लेते हैं। चलिए और आते हैं अभी मेन पार्ट पे। नाइस। देखिए द ब्यूटी इज हियर। उसके पहले बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हो गया, चलो गाइस आ जाओ। सो गाइस ये है अपना कीबोर्ड, आ चुका है, अनबॉक्स हमने कर लिया है। ठीक है, ये है बैक साइड, ये USB-C केबल आता है इसमें। सो लाइक आप कभी भी ये केबल भूल गए लाइक आपने, तो आप लोग जो अपने मोबाइल का जो USB होता है C2 केबल, उससे आप अपना चला सकते हैं। हाँ, ये वायरलेस नहीं है लेकिन वायर वाली है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही मीडियम वेटेड है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। और की मेन जो इसका जो मैकेनिकल कीबोर्ड का हम लोग जो देखते हैं, आप लोग को पहले साइड से दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाँ हाँ, बूती बूती बूती, कमाल की बूती है ये। चलो तो आते हैं अभी मेन इसके टेस्टिंग पे। सबको जो इंतजार रहता है वो, आहा, One eternity later. गाइस सच में इसका की रिस्पॉन्स और ये बहुत, और ये देखो आप कंपेरिजनली देखिए, आप ये कीबोर्ड देखिए लाइक आपका कितना एरिया बच जाएगा। आप देखिए कीबोर्ड देखिए सीधा। हाँ, ये थी अपनी अनबॉक्सिंग आज की, ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग है। ठीक है, और इसका जो पूरा वर्क फंक्शन है आप लोग, हाँ वो बात तो है कि हम लोग को चेक तो करना पड़ेगा ये कैसा है नहीं कैसा नहीं। तो चलिए आते हैं PC पे। देखिए गाइस, आप लोग का वर्क स्टेशन कितना फ्री हो गया था। लाइक मेरा पहले कीबोर्ड पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वो रहता था क्रॉस में। अगर अब मैं इसको क्रॉस भी कर दूँ देखिए कितना फ्रीली रहता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओके गाइस, तो लेट शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट अपना फेस ही नहीं देख रहा क्योंकि मेरे को भी देखना है पहली बार इसका लाइटिंग कैसा हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स 3-2-1 गो। क्या सेटिस्फाइंग व्यू है गाइस, सच में ये वीडियो में ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप रियलिटी में भी देखेंगे तो क्या इसके कलर्स है। लाइक फुल डार्क रूम में इसका वाइब पूरा अलग ही है। आप देखिए कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये कीबोर्ड, देखिए देखिए आप सी। सो गाइस ये है कीबोर्ड का लाइटिंग। ठीक है, आप देखिए बहुत ही सही कलर्स है इसके और काफ़ी रिस्पॉन्सिव चीज़ है। और ये गाइज मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अंदर आपको फंक्शन और डाउन की से ही पूरा वर्क करना पड़ेगा। इसमें ऑलमोस्ट हमने 15 तो खुद ढूंढे, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 10, लेकिन आप जैसे ही डाउन करते रहेंगे आपको दिखा देता हूँ सारे 1x1। ये अपना जो RGB मोड होता है वो है, दूसरा ये एक है देखिए, पूरा दिवाली का जगमग हो सकता है। 4-5 कीबोर्ड लेके आप लोग ऐसे बाहर भी रख सकते हैं दिवाली के टाइम पे। ये विंडोज की एक्टिवेट है, ये लॉक है इसीलिए, ये देखिए लॉक है इसलिए ये एक्टिवेटेड रहती है। कैप्स लॉक की अगर ऑन होगा तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, सो मैं आप लोग को सारे फंक्शंस दिखा देता हूँ। दूसरा ये देखो, पूरा किंडर जो है सेटिस्फाइंग राइट। ये दूसरा दिवाली पार्ट 2, जगमगा। ये देखो शॉट, खुद ही अपने आप सांप सीढ़ी खेल रहे। दूसरा फिर से अपना RGB मोड,
ये अपना जो जो कीज आप जब जब टैप करोगे तब तक वो रिस्पॉन्ड करेगा वो वाला। ये दूसरा सापो लिया, ये दूसरा जगमगा जगमगा। देख देखे गाइस, जैसे ये रखा होता है ना बहुत सही लगता है। ये देखो आप, ये स्टेबलाइज्ड मोड, अप मोड, अप वेव है ये। ये बीच पे से आ रहा है, मल्टीपल कामेहामे मोड, साइडवेज, ये जहां से जो की होगा उसमें बीच में से वो लाइट एमएसयू इमर्ज करेगा। सोलो ट्रिपल मोड बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें मल्टीपल कलर्स है। देखो हाँ, ब्रीदिंग मोड, सोलो कोलर्स। हाँ, इसमें ये एक चीज है, एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप इसमें एक नॉर्मल जो कलर आपको चाहिए कि व्हाइट है तो व्हाइट, पिंक है तो पिंक, वो नहीं रख सकते। ये रैंडमली चेंज होता रहेगा, तो वो एक डिसएडवांटेज मिलता है आपको। ये वो दूसरा मोड, सारे मोड से ये जगमगा जगमगा, और ये वापस नॉर्मल मोड। एक मोड जो मैंने अपने आप अभी अभी ढूंढा है वो है कि अगर वो जो गेमिंग मोड WASD वाला होता है वो मैंने अपने आप अभी ढूंढा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसा। ओके गाइस, तो हम लोग ने फिर से कुछ ना कुछ फिगर आउट किया है अभी। अपने ये जो इताची है उन्होंने फिगर आउट किया ये चीज़ के इसमें एक ही स्टेबलाइज मोड है वाइट कलर का, लेकिन उसके लिए आपको फंक्शन कैप्स दबाना पड़ेगा। तो पहले डिफॉल्ट बाय ये चीज़ रहता है, लेकिन आप फिर से फंक्शन और कैप्स दबाओगे तो ये आपका स्टेबल मोड सिर्फ वाइट कलर्स पे रहेगा। माइट बी 1, 2, 3 या फंक्शन कुछ बकचोदी करने के बाद शायद कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं होगा। हाँ, बाय द वे गाइस, फंक्शन डाउन करने से लाइट की इंटेंसिटी कम होगी और फंक्शन अप करने से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये पेज डाउन से चेंज होता है वो तो आपको दिखा दिया। इन फंक्शन कैप्स करोगे तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। तो ये था गाइस पूरा UG 788 मैकेनिकल कीबोर्ड 4000 रुपीज। मैं ला लूँगा लिंक में डिस्क्रिप्शन, लेकिन गाइस मैं सच में बता रहा हूँ बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ज़रा भी स्पेस नहीं लगता आपके वर्क स्टेशन का। ये देखिए आप, ज़रा भी ये स्पेस बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं करता। बेस्ट कीबोर्ड आई एवर गॉट। सो हे गाइस, ये था हमारा अनबॉक्सिंग का वीडियो, ठीक है, श्री हनुमान का पहला अनबॉक्सिंग वीडियो। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द जल्द करने वाला हूँ, ठीक है। कज अभी ये वीडियो कब आएगा बाहर मुझे नहीं मालूम, ये एडिट कब होके कब आएगा। कज मेरा कल से जॉब शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं पहले बोलता हूँ ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है नहीं, कज मेरा तो अभी 162-163 से ऊपर सब बड़ा भी नहीं है, ठीक है। सो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं था। द ओनली रीजन कि मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं खुद को मालूम था कि UG का कीबोर्ड मेरे को इतना पसंद आएगा लाइक खेलने के टाइम के बाद भी। तो काफ़ी वो हद तक मैं अगर इस कीबोर्ड को दूँ मार्क्स तो 9/10 दूंगा। 10 एक मार्क इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है। ऑब्वियसली अभी UG के जो अपर कीबोर्ड है उसमें शायद आता होगा नहीं होता, आई डोंट नो। लेकिन काफ़ी हद तक जो गेमर्स रहते हैं वो लोग ये बजट प्राइस में या फिर ज़ेब्रोनिक्स को चूज करते हैं। एंटी स्पोर्ट्स और दूसरा एक कंपनी था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़ेब्रोनिक्स और एंड स्पोर्ट्स होता है तो ये दोनों में जाते हैं। लेकिन ये मैं खुद जब लेने का सोच रहा था, मैंने बहुत सारे रिव्यूज वीडियो मैंने खुद देखे थे, लेकिन यूज़ करने के बाद मेरे को खुद को मालूम पड़ा साइज, कलर, क्वालिटी, एवरीथिंग इज बेस्ट। सो देखते हैं, अभी कोई नई चीज़ें देखेंगे तो हम लोग उसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे, सब चीज़ें जो कि हम दोनों ट्राई करेंगे क्योंकि यूट्यूब पर हम लोग ग्रो करें। सो लाइक सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर दो और चैनल जल्दी मोनेटाइज करवा दो। तो UG वाला खुद मेरे को आके बोलेगा भाई कीबोर्ड खोलो हमारा पैसा तुमको देंगे, ठीक है।